नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में आज लॉकडाउन है, लेकिन आज सुबह से ही तस्वीरें हमने देखी कि लोगों ने अपनी शॉप खोलनी शुरू कर दी। गाड़ियां भी इस तरीके से आती नजर आ रही है। हालांकि पुलिस ये कोशिश कर रही है कि कोई सड़कों पर ना निकले, लगातार ये अपील हो रही है। आज ही अभी कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, उन्होंने अपील की कि गंभीरता से लें, लॉकडाउन को इतने हल्के में मत लें। और पुलिस ये अपील कर रही है कि आखिरकार आप अपने घर चले जाइए, लेकिन लोग हैं कि वो यहाँ से कुछ लोग बात कर रहे हैं कि हमें आगे जाना है, लेकिन कुछ लोग गाड़ियों में बैठकर आगे निकल रहे थे। सबसे बड़ी बात कि जो ज़रूरी चीज़ें थी उसको छोड़कर और दूसरी गैर ज़रूरी चीज़ों की दुकानें भी आज खुली मिल गई। अगर आपको बताऊं कि कपड़ों तक की दुकानें खुल रही थी, मेडिकल स्टोर और बाकी परचून की दुकानों को छोड़कर दूसरी दुकानें लगातार खोल रहे थे लोग। और ये तो चलिए नगर निगम का है, लेकिन और भी लोग, वो देखिए पीछे भी लोग खड़े हुए हैं। और अगर किसी से आप पूछेंगे तो वो कहेंगे मैं दवाई लेने जा रहा हूँ। ऐसे में ये मानना बेहद मुश्किल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस वक्त मौजूद हूं। भाई साहब कहां जा रहे हैं? ऑफिस। कहां पे? दरभंडा। किस पे? अच्छा, कौन से ऑफिस में काम करते हैं? यूनाइटेड में। यूनाइटेड इंडिया। हाँ। क्या चीज है? इंश्योरेंस कंपनी है भाई। इंश्योरेंस कंपनी का तो आज कोई मतलब ही नहीं है। ऑफिस खुला हुआ है, फोन किया था मैंने। अच्छा, ऑफिस खुला हुआ है। आपने उन्हें कहा नहीं कि आप आज ऑफिस बंद होना चाहिए? भाई मैं क्यों कहूंगा भैया, तो कंपनी। आप ये देख सकते हैं कि ऑफिस इनका खुला हुआ है। कुछ लोग ये भी है। भैया कहाँ जा रहे हैं आप? कमरे पे जाना जी। कमरे पे कहाँ से आए? शारदानगर से। आपको पता नहीं कि लोगों की जिंदगी मुश्किल में है, कोरोना चल रहा है, आप बाहर निकले क्यों? जी सर, तेल डलवाया जी। क्या जरूरत थी पेट्रोल की आज? जरूरत तो जी इमरजेंसी में, फिर भी था। जबरदस्ती घर से निकलना है क्या? नहीं जी। आप मानते नहीं कि प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, अपील कर रहे हैं, आपको मानना चाहिए? मानना चाहिए। लेकिन ये है कि लोग लगातार जो हैं, ये भी भाई साहब कहाँ पर जा रहे हैं? भाई साहब अकाउंटेंट साहब के और ड्राइवर हूँ, तो साहब के पास में गया था, ये परमिशन भी है सर बिजली विभाग में जी। तो कोई बिजली विभाग की बात कर रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? बड़े मुस्कुरा रहे हैं, मास्क भी आपके मुंह पे नहीं है। खैर, जब आपको लगता नहीं कि लोगों की जिंदगी खतरे में? तो मैं तेरा ही भाई हूँ। मैं प्रेस से हूँ। और बता। चलिए, ये तो मीडिया से निकल गए। वो अंकल जी है वहाँ है। एक और पुलिस की गाड़ी, लगातार पुलिस जो है उत्तर प्रदेश पुलिस एक्शन में आ चुकी है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के ट्वीट के साथ। भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं जा रहे हम तो यहाँ क्या खड़े हो? बस यहीं घर पे ही है, बस यहीं जा रहे हैं। सब्जी लेने आए थे, अब वापस जा रहे घर। इधर कौन सी मंडी है? मंडी है ना, उधर है दुकान पे मंडी। जा रहे बस सब्जी लेने जा रहे थे बस। आपको लगता नहीं कि घर पर रहना चाहिए, कोरोना बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेना चाहिए? क्या हम गंभीरता से नहीं ले पा रहे हैं? घर पे ही हैं, और कहाँ जा रहे हो? सब्जी लेने आए थे खरीदने। भैया आप क्या लेके जा रहे हो? लो भाई, इन्होंने तो सब्जी ले ली। हाँ सर, सब्जी कमी पड़ गई क्या एक दिन में? नहीं सर, सब्जी तो लेनी थी। घर के लिए सब्जी लेनी थी। पुलिस का एक्शन देखिए आप। उत्तर प्रदेश योगी की पुलिस जो है इस वक्त एक्शन मोड में है। लगातार लोगों को रोका जा रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, गाड़ियों को रोका जा रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं सर? यस बैंक में पैसे निकालने। तो एटीएम से किसी और से भी निकाल? एटीएम मेरे पास नहीं है, मैंने लिया है, चेक से निकालता हूँ। ये चेक से? लेकिन आपने मास्क भी नहीं लगाया हुआ, वहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी तो ले लूंगा मास्क, यहाँ मिल। भारत गंभीरता से नहीं ले रहा क्या? नहीं, हम गंभीरता पूरी गंभीरता ले रखे, पूरी गंभीर। लॉकडाउन सही है कि नहीं है? बहुत सही है, बिल्कुल सही है। क्या हाँ। हमें साथ देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, हम दे रहे हैं साथ। ये इनका ये मानना है। वो अंकल जी चल दिए, और ये तस्वीर आपके सामने, पुलिस वहाँ पर है, साफ यही कह रही है कि आप चले जाइए, रुकिए मत यहाँ पर। लेकिन लोग जो है सुबह सुबह सभी शॉप्स अपनी खोल बैठे, और उसके बाद जनता जो घरों में थी उन्होंने ये समझा कि आखिरकार अब तो घर से बाहर निकल ही रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि लोगों को जितना ज़्यादा गंभीरता से इसको लेना चाहिए था आज के दिन, वो ऐसा नहीं हो पाया और सुबह से जनता निकलने लगी। लेकिन प्रधानमंत्री का एक ट्वीट और कुछ ही मिनटों में कार्रवाई शुरू हो गई। सभी राज्य सरकार एक्शन मोड में आ गई, खासकर उत्तर प्रदेश में 15 जिले जो हैं लॉकडाउन हैं, हाफ लॉकडाउन, फुल लॉकडाउन में इतना अंतर होता है। कल फुल लॉकडाउन था कि सभी दुकानें पूरी तरह से बंद हैं। आज खाने पीने की कुछ दुकानें खुली हैं, मेडिकल स्टोर्स खुले हैं, बैंक खुले हैं, लेकिन कल ऐसा नहीं था। लेकिन अब पुलिस ये समझा रही है कि आप बाहर जाइए, आखिरकार जा कहाँ रहे हैं? और ये देखिए साइकिल पे चल दिए क्या भैया? सैर करने जा रहे हो क्या? जी नहीं। कहाँ जा रहे हो? काम से आ रहे। आप कहाँ जा रहे थे? सर जनता बेकरी जा रहे थे, पैसा लेने खर्चा के लिए अपने। अच्छा, यहीं पे इस बोर्ड के नीचे। मास्क भी नहीं लगाया आपने? मास्क। आपको लगता नहीं कि गंभीरता से लेना चाहिए, ये गलत है? लगता है सर।
ये तस्वीर जब है, जब आज की अगर बात करूं, 24 घंटे की अगर बात करूं, तो अमेरिका में 100 मौत हो चुकी हैं, इटली में आंकड़ा 500 से ज़्यादा जा चुका है, ईरान में लगातार मौतें हो रही हैं और तमाम दूसरे देशों में भी मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, भारत में भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोगों को गंभीरता से लेना होगा और लगातार ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपको हम दिखाते रहेंगे। अपने सहयोगी रोहित के साथ नवीन चौहान, हेडलाइंस इंडिया।